हेलो गाइस, नमस्ते। आवर यूट्यूब चैनल ओम गोस्वामी टेक में आपका स्वागत है। ऐसे जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आरजेबी लाइट कैसे बनाते हैं। एकदम नॉर्मल सा, सिंपल सा तरीका से बनाएंगे हम लोग, और ज्यादा बजट नहीं लगेगा आपको। लो बजट में हम लोग एक अच्छी सी, अच्छी क्वालिटी वाली लाइट तैयार करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस पे लगने वाले सारे मटेरियल का नाम और वो कहाँ पे मिला, हम कितने रुपए में उसे परचेज किए हैं, तो आइए। तो ये है हमारा आरजीबी लाइट, जो कि 2 रुपये पीस मिला है, और जो कि ये 3 से 4 कलर में, मल्टी कलर में, ये हमें पड़ा है 2 रुपया, और ये टोटल है हमारा 35 पीस। और ये है आपका एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और ये है एक हमारा 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, जो कि हम इसे 12 वोल्ट में अगर हम चलाना चाहेंगे तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 1.5 वोल्ट का है और 12 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। और ये है हमारा अगर हम 5 वोल्ट से चलाना चाहें, जैसे कि पावर बैंक या फिर अदर किसी चीज़ से जो 5 वोल्ट जिससे इनपुट आता हो, तो उस पर हम इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसे 2.2 वोल्ट या 3.5 वोल्ट मिल सके, ये ख़राब ना हो। और ये है हमारा लगने वाला वायर, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जैसे ये देखो, ये पूरा कॉपर में है, ठीक है। और ये हमारा एक पाइप, जिसे हम गर्म करके लगा सकते हैं, ताकि ये आपस में सटे ना और शॉर्ट ना हो। तो गाइस, ये देख सकते हैं, ये एक 2 mm का वायर है जो पूरा फुल्ली कॉपर में है। तो इस लाइट को हम, ये जो देख रहे हैं, ये आरजीबी लाइट को हम पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं, ताकि हम इसे पावर बैंक से भी चला सके लाइन ना रहने पे, और ये हमारा फुल्ली रिचार्जेबल हो। तो इसको हम इसलिए इस वायर का यूज़ करने वाले हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट करने वाला है। पैरेलल में आपको पता हो कैसे कनेक्ट होता है, पूरा पूरा सब नेगेटिव में ही होता है। जैसे कि ये है रेड है प्लस, और ये है ब्लैक माइनस, तो इस सभी का रेड को रेड में और प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में करते जाएंगे सीरीज में, तो इसे सीरीज कहते हैं। तो इस पे हम फाइबर स्लिप लगाने वाला है, जिससे ये आपस में ऐसे सटे ना, और ये दोनों सटने के कारण, ताकि ये शॉर्ट ना हो, ये बंद ना हो। और इस पे हम बड़ा वाला यूज़ करेंगे, ताकि ये पूरा वाटरप्रूफ यहाँ से हो जाए, और किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक का डर ना हो। तो इसे हम सोल्डरिंग मदद की सहायता से इसे हम सोल्डर कर लेंगे कुछ इस प्रकार। जो कि इसका प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में करने वाले हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम इस पे पूरा रेड में प्लस करेंगे और माइनस को पूरा माइनस में करते जाएंगे, और टोटल 36-35 LED को हम इस तरह कर करके कनेक्ट करेंगे, और लास्ट में हम इस फाइबर स्लिप को लगा कर और इसे हम हीट देके इसे टाइट कर देंगे। तो हम मिलते हैं टाइट करके। तो ये देख सकते हैं, हम इसे इस तरह कर लिया है। अब हम इसे एक बीच में घुसा दिए हैं, और एक को हम रखेंगे, दोनों को इस मोटे वाले फाइबर स्लिप के अंदर से ऐसे घुसा देंगे, जिससे हमें ये टाइट हो जाए और फुल्ली वाटर प्रूफ ये बन जाए। तो ये हो गया हमारा इस टाइप का कुछ। अब हम इसे इस तरह से लाइटर या फिर माचिस के ज़रिए इसे हम हल्का गर्म करके टाइट कर देंगे, तो ये टोटल सील हो गया। अब ये हमारा पूरा वाटरप्रूफ होने वाला है। भाई, फाइनली हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और ये देखिए, ये मैंने पूरा ये कर लिया है। तो अब इसका टेस्टिंग का टाइम है, हम आपको दिखाते हैं। ये चाहे तो अपने हिसाब से आपको जितना भी करना हो, जितना भी लंबा बनाना हो, आप बना सकते हैं। तो इसे हम दिखाते हैं ये कैसा चल रहा है। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म, जिससे हम 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएं, क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा था और इसका वाट थोड़ा कम हो जा रहा था, जिससे ये कम ग्लो हो रहा था, इसे हम 10 एम्पेयर का लगाए हैं ओम्स का। और ये 4 वोल्ट का बैटरी है लिथियम, तो इसे देखते हैं कैसा ये चल रहा है। वाह, ये देख सकते हो, ये देखो, ये कितना अच्छा बन गया, और इसे आप पावर बैंक से भी चला सकते हैं। ये देखो, ये और इससे कोई करेंट का भी डर नहीं है आपको। ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है।